ओके सो इन द प्रीवियस वीडियो द वाइट टाइगर पार्ट वन ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द नावल वी वो टॉकिंग अबाउट द सर्वेंट्स और अबाउट द ड्राइवर्स दैट राम प्रसाद वॉज द फर्स्ट ड्राइवर वेर इज बलराम हलवाई वॉज द सेकंड वन एंड राम प्रसाद को सिर्फ ड्राइविंग करना पड़ता था वेर इज बलराम हलवाई को और भी काफी सारे घर के काम में कामों में हाथ बटाने पड़ते थे ओके सो यू नो जस्ट ऐसे ही बलराम को एक छोटा सा डाउट होता है राम पे दैट देर इज समथिंग रॉन्ग विद द स्काय एंड सो वाई ही यूज टू फॉलो हिम लेटर ऑन पता चलता है कि राम प्रसाद जो होते हैं वो एक मुस्लिम होते हैं एंड यू नो सीक्रेट रिवील होने वाला है सो ही जस्ट लेफ्ट द जॉब नाउ आफ्टर अ कपल ऑफ डेज दिल्ली का प्लान बनता है यू नो दिल्ली जाने का प्लान बनता है स्टॉक की जो फैमिली होती है लाइक मुकेश मिस्टर अशोक पिंकी मैडम सबको डेली जाना होता है टू ब्राइब द मिनिस्टर यू नो मिनिस्टर्स को कुछ ब्राइब देने के लिए कुछ घूस देने के लिए सो दैट उनकी जो काम है यू नो जो इनलीगल काम वो कर रहे हैं वो पीसफुली चलता रहे विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन और विदाउट एनी हार्डल्स नाउ डेली का प्लान इसलिए भी बनता है क्योंकि अगर आप पिंकी मैडम एंड मिस्टर सौक की रिलेशनशिप को देखें दे आर नॉट हैप्पी विथ द रिलेशनशिप यू नो क्योंकि पिंकी मैडम न्यूयॉर्क से बिलोंग करती हैं एंड मिस्टर अशोक का मन यहाँ ज्यादा लगता है लाइक विथ हिज फैमिली बट पिंकी का हमेशा मन होता है पिंकी मैडम का कि वो लोग वापस से न्यूयॉर्क जाएँ सो so, मिस्टर अशोक को लगता है कि शायद हम डेली जाएँ तो पिंकी का जो एक व्यू uh, पॉइंट है अबाउट यू नो न्यू यॉर्क या अबाउट uh, डेली वो थोड़ा परसेप्शन जो है वो चेंज हो जाए एंड शायद इनको यहाँ पे अच्छा लगने लगे सो आई डिसाइडेड टू विजिट डेली टुगेदर सो स्टॉक की फैमिली जो है वो डेली जाती है एम सॉरी या yeah, डेली जाती है वहाँ पे सारी चीज़ें बलराम को बहुत ही कंफ्यूजिंग लगती हैं लाइक यू नो उनको लगता है दैट दिस सिटी इज़ क्रेज़ी बिकॉज रोड्स इतने बिजी हैं इतने ट्रैफिक है इतने जैम मिलते हैं उनको देन आर लॉट ऑफ पॉल्यूशन लॉट ऑफ पॉपुलेशन सो चीज़ें बड़ी कन्फ्यूजिंग लगती हैं ऑल्सो वो जो फ्लैट्स देखते हैं जो बिल्डिंग्स देखते हैं या जो ब्लॉक्स देखते हैं तो उनको लगता है दैट ये क्या है आई I मीन mean, कोई सिक्वेंस ही नहीं है लाइक ए ब्लॉक के बाद डायरेक्ट एफ ब्लॉक है देन एस ब्लॉक है ऑल्सो जब वो uh, इन द बिगिनिंग यू नो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जब वो डेली में जाते हैं तो क्योंकि वो एक रूरल एरिया से आए होते हैं उनके लिए सब कुछ बड़ा नया होता है वो बहुत बार रास्ता भूलते हैं ओके okay? बहुत बारी जो होता है वो रास्ते भूल जाते हैं एंड देन फाइनली विद पैसेज ऑफ टाइम वो एक्चुअली फैमिलियर हो जाते हैं उन रास्तों से एंड वंस क्या होता है पिंकी मैडम का बर्थडे होता है सब लोग बड़ी खुश होते हैं पिंकी मैडम एंड मिस्टर अशोक दे फ्रिक्वेंटली यूज़ टू विजिट मॉल्स एंड क्लब्स एंड यू नो बार्स वगैरह में वो जाते रहते हैं तो उनके बर्थडे के दिन भी सेम यही चीज़ होता है पिंकी uh, मैडम जो होती हैं वो बार रेस्टोरेंट्स uh, में जाती हैं या पब में जाती हैं वापस घर आते हुए वो लोग काफ़ी ड्रंक होते हैं एंड पिंकी मैडम बोलती हैं दैट आई एम गोन ड्राइव गिविंग द केज सो यहाँ पे लाइक like, uh, बलराम जो होते हैं वो थोड़े घबरा जाते हैं क्योंकि शी इज ड्रंक राइट एंड देन अल्टीमेटली जिस चीज़ का डर होता है वही होता है लाइक पिंक मैडम एक्सीडेंटली किल्ड अ चाइल्ड इन अट एंड रन सो बेसिकली उनके कार से एक बच्चा ठुक जाता है और उसकी डेथ हो जाती है आई येस एंड देन क्या होता है सब लोग काफी डर जाते हैं धनबाद से उनके जो फैमिलीज uh, होते हैं लाइक स्टॉर्क एंड मोंगूज विच मीन्स मुकेस वो सब वहाँ वापस जाते हैं डेली में जाते हैं एंड देन वहाँ पे बलराम को बुलाया जाता है रूम में और उनको फोर्स किया जाता है कि तुम कन्फेस करो कि उस दिन उस रात को कार तुम चला रहे थे एंड यू नो लाइक तुमने ठोका है उस बच्चे को और तुम कार में अकेले थे लाइक तुम्हारे साथ कोई नहीं था सो so, बलराम को यहाँ पे बहुत ही डर लगता है क्योंकि वो जेल नहीं जाना चाहते बट देन क्योंकि ये फैमिली काफ़ी वेल टू डू है तो मैटर बहुत जल्दी सेटल हो जाता है एंड यू नो बलराम की हेल्प नहीं लगती या फिर उनको जेल नहीं जाना पड़ता है बट देन वहाँ से एक जो बलराम की व्यू पॉइंट या एक जो ओपिनियन होता है या एक जो थॉट थो, थो, थाट प्रोसेस होता है वो काफ़ी चेंज हो जाता है अपर क्लास के लिए उनको लगता है दैट दे आर वेरी मीन इनको किसी के इमोशन के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है यू नो नेक्स्ट क्या होता है पिंकी मैडम एक दिन क्या करती हैं वो बलराम को कहती हैं कि मुझे एयरपोर्ट छोड़ाओ और वो वहाँ से न्यूयॉर्क चली जाती हैं जब मिस्टर अशोक को ये पता चलता है वो हिट करते हैं बलराम को एंड उनका गला तक पकड़ लेते हैं वो कहते हैं कि तुमने मुझे बिना बताए ये कि कैसे किया इस इंसिडेंस के बाद जो बलराम है वो बहुत ही ज़्यादा टूट जाते हैं क्योंकि वो पिंकी से एक्चुअली बहुत प्यार करते हैं बट देन उनका फाइनली डिवोर्स हो जाता है आफ्टर दैट अशोक को आ, अपनी एक एक्स लवर मिलती है जिनका नाम होता है मिस उमा और उनके साथ उनका रिलेशनशिप आगे बढ़ने लगता है ऑन दी अदर हैंड दोज ब्राइव वाला थिंग्स जो जिसके लिए वो एक्चुअली डेली आए होते हैं वो भी यू नो you know, हो रहा होता है साथ में लाइक like, ही uh, अशोक फ्रिक्वेंटली कलेक्टेड लार्ज सम्स ऑफ मनी इन अ रेड बैग वो फ्रिक्वेंटली लार्ज सम ऑफ मनी रेड बैग्स में कलेक्ट करते हैं एंड देन वो मिनिस्टर्स को को ब्राइब करते हैं, को ब्राइब करते करते हैं हैं पुलिस न इन बिटवीन ऑल इंसिडेंसेस यू नो बलराम के मन में काफ़ी बार ये बात आती है कि uh, क्या किया जाए लाइक मिस्टर अशोक को मारा जाए uh, क्यों ना मैं इनको मार बट देन अगेन यू नो एक इमोशनल जो अटैचमेंट हो गई होती है मिस्टर अशोक से वो कही कहीं ना कहीं अलाउ नहीं करता बलराम को ये चीजें करने से ना ह्यो ह्यो यू हैव वन मोर कैरेक्टर धर्म सो धर्म कौन होता है वो बलराम की फैमिली से होते हैं और बलराम के कज़न होते हैं उनकी ग्रहणी ने उनको डेली भेजा होता है बलराम के पास सो so दैट वो भी जॉब ले पाएं और वहाँ पर काम कर पाए ना बलराम और धर्म एक बार जू विज़िट करते हैं वहाँ पर वो वाइट टाइगर को देखते हैं एंड बलराम को लगता है दैट यस दिस इज़ द राइट टाइम टू ब्रेक द केज यू नो ये एक जो रूस्टर कूप है उससे बाहर आने का ये सबसे अच्छा टाइम है एंड अ फ्यू डेज लेटर एज यूजल मिस्टर अशोक ब्राइट करने के लिए ministers को, ministers को जा रहे होते हैं रेड बेग्स में बड़े सारे पैसे लेके एंड देन बलराम स्टेब्ड अशोक एंड केल डिम सो बेसिकली यहाँ पे बलराम ने बिल्कुल ही एक अनएक्सपेक्टेड मर्डर किया है अपने यू you नो know, अपने मास्टर का और अपने बॉस का सो so, यहाँ पे क्या होता है जस्ट आफ्टर द मर्डर जस्ट आफ्टर द मर्डर बलराम एंड धर्म दोनों ही बैंगलोर शिफ्ट हो जाते हैं ओके okay, वहाँ पे वो कुछ दिन रहते हैं बलराम जो है वो कुछ दिन सुपरवाइज़ करता है चीज़ों को कुछ दिन वो चीज़ों को नोटिस करते हैं यू नो देखते हैं समझते हैं एंड देन uh, उनको एक्चुअली लगता है दैट रात में जो यू नो कॉल सेंटर्स खुले होते हैं वहाँ के जो कस्टमर्स हो रहे हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है टैक्सी लेने में रात के टाइम पे क्योंकि रात के टाइम पे टैक्सीज तो ज़्यादा चलते नहीं है सो so, वहाँ पे वो एक अपना अलग बिजनेस स्टार्ट करते हैं एंड He launched a taxi service uh, for call center workers. So basically, wahan pe ye call center workers ke liye taxi service provide karte hain jiska naam wo rakhte hain the White Tiger Technology Drivers. And this is how he became a popular or a very successful entrepreneur. So ये उनकी story होती है, जो वो when जया बाओ को narrate कर रहे होते हैं email के through, जिसमें उन्होंने बताया है that India is a टू कंट्री इन वन इस एक ही कंट्री में दो तरह के इंडिया आपको देखने को देखने को मिलेंगी द इंडिया ऑफ लाइट जो कि रूरल सॉरी जो कि अर्बन एरियाज़ को बोला जाता है जो शहरों के लोगों को बोला जाता है जहाँ पे रिच पीपल होते हैं जिनकी लाइफ बहुत ही बिजी है एंड द इंडिया ऑफ डार्कनेस जिसमें कि रूरल एरियाज़ को दिखाया गया है जिसमें कि पुअर पीपल रहते हैं जिनके खाने के भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं